guys, welcome back to my channel. This is Elina Michelle and today I am again with a new video. So before starting the video, please hit like button, subscribe and share my videos, and also comment below if you like my today's look. So without wasting any further time, let's get started. So guys, first product that I will be reviewing here is the Biotic Advanced Ayurveda face pack, and it says that it is a biofruit face pack which gives whitening, depigmentation and tan removal. Okay, so here it is written you have to apply it on a cleansed face and neck for 15 to 20 minutes, and also it is written you can use it daily for a fairer complexion. Okay guys, so first talking about its packaging, it is travel friendly and we get 75 grams of product for $199. And when we talk about the fragrance, so this is really upsetting because its fragrance is something like more of a chemical sort. It is something like peach or pink. I'll apply the product. See the consistency when we see. It is quite thick. When I put it first time on my face, it was like thoda zyada mujhe ye warming effect de raha tha. Bahut zyada mujhe sweating hone lag gayi uske baad. इस एरिया में पूरा आई गॉट रैशेज, रेड हो गया था स्किन में, काफी रफ हो गया था आफ्टर रिमूविंग इट. मैंने इसको रोज तो यूज नहीं करा है, मैंने इसको एक बार फेस पे यूज करा एंड देन आई स्विच टू द लोटस वाला फेस पैक. दैट वाज मच बेटर. उसका भी सेम कलर रहता है और आई थिंक वो 160 या 180 तक का कुछ मिलता है एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वांटिटी. मैं इसको सिर्फ हैंड्स पे और फीट पे यूज करती हूँ एंड दैट्स इट. आई डोंट यूज इट ऑन माय फेस एनी मोर. सो दिस इज अ कंप्लीट नो फॉर मी. ओके, सो द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई विल बी रिव्यूइंग इज अ गार्निया व्हाइटनिंग प्रोडक्ट एंड दिस इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड दिस इज अ गार्निया लाइट कंप्लीट सीरम क्रीम विथ यूवी स्किन नेचुरल्स. ओके, सो दिस इज अ 23 ग्राम प्रोडक्ट विच यू गेट फॉर 60 रुपीज. ये मैंने नायका से खरीदा था तो मुझे और ज्यादा डिस्काउंट पे पड़ गया था एंड मुझे इसे ट्राई करना था. लाइक मैंने इसके एड्स वगैरह बहुत देखे तो आई थॉट ट्राई कर लेते हैं. सो ये कुछ इस तरीके का इसकी पैकेजिंग. लिटरली आई लव येल्लो कलर. इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है, काफी हैंडी है, इतना छोटू सा है. सो हाँ, इसमें बड़ा भी मिलता है बट मैंने छोटा ट्राई करने के लिए लिया था और ये मैंने लिटरली कुछ 6 months पहले लिया था. सो अब देख सकते हैं मैंने कितना यूज करा है. कैन यू सी, मैंने सिर्फ इसको इतना सा यूज करा है. सो टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज्यादा, लिटरली एक बहुत ही रिफ्रेशिंग टाइप की फ्रेग्रेंस आती है. बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है ये. When we talk about fragrance, पहले अपन बात करते हैं इसके consistency की. तो मुझे इसकी consistency अच्छी लगी but problem इसके साथ ये है जो मैंने सबसे पहले लगाते साथ ही फेस करा, वो था it gives white cast. Like मैंने लगाया, see ये blend नहीं हो रहा है, it gives white cast. पूरा कितना थोड़ा product था वो and I know. Okay, तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है. आप इसे मतलब अब देखिए, अब मेरा हाथ अच्छे से नहीं ग्लाइड हो रहा है इसके ऊपर. काफी मतलब इसको लगाने के बाद फेस पे एक पाउडरी टाइप का अपियरेंस आ जाता है. मुझे ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा नहीं लगा है बिकॉज एक ये फेयरनेस बहुत ही कम. अगर ये ट्रीटमेंट के सामान आप यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट, क्योंकि ये आपको नहीं दे रहा है. मेरा मैंने इसको मतलब इतना मैंने प्रोडक्ट एक्चुअली इतना प्रोडक्ट मैंने यूज करा है बट मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा. मैंने रेगुलरली यूज करा फॉर द वीडियो पर्पज ताकि मैं अपना रिव्यू दे सकूं, कोई फायदे का नहीं था. ऊपर से आप इसको गर्मी में नहीं लगा सकते हो, ये बहुत ज्यादा आपको स्वेट प्रोड्यूस करेगा. दूसरी तीसरी चीज कि इसका व्हाइट कास्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मॉइस्चराइजर के समान भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हो. मैं सिर्फ इसको कभी कभी सोने से पहले यूज कर लेती हूँ बट इन ऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा.
third product that I will be reviewing is this. So ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये है एवर यूथ का पील ऑफ. सो ये है पील ऑफ मास्क, इसमें लिखा है विथ 24 कैरेट गोल्ड और इसमें 15 मिनट्स का रेडियंस, आपको 15 मिनट्स में रेडियंस मिलता है, नेचुरली ग्लोइंग स्किन मिलती है बाकी. और 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट है विच यू गेट फॉर 45 रुपीज में आपको मिलता है. इट्स अ पील ऑफ मास्क जो आपको ग्लोइंग स्किन देता है, इनका ऐसा कहना है, बट मैं इसको अप्लाई करके देख चुकी हूँ एक नए एक्सपीरियंस के लिए. एक्चुअली मेरा फर्स्ट पील ऑफ मास्क था बट मुझे अच्छा नहीं लगा, इट वॉज मोर ऑफ अ केमिकल सॉर्ट और चेहरे पे एक अच्छा ग्लो नहीं आता है. लाइक हाँ ठीक है, हटा लगाकर जब आप पील ऑफ करते हो, कोई भी पील ऑफ करते हो, सो यू गेट आपका डेड सेल्स जो रहता है वो रिमूव जाते हैं, थोड़े बहुत जो ऊपर की सुपरफिशियल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है एंड दैट इज ऑब्वियस. लेकिन इससे ज्यादा ये मास्क कुछ भी नहीं देता है, लाइक मुझे इससे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया. सो इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी, बट ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था तो दैट्स फाइन. Guys, the next product that I will be reviewing is not one product. मैंने दो products लिए थे और ये था हिमालय का first time जो मैंने कोई product हिमालय का use करा है. So this is also a face pack. ये दोनों face pack हैं. एक fairness के लिए है जिसे हम केसर face pack बोलते हैं and another is oil clear mud face pack. ये combination to oily skin के लिए use होता है. पहले मेरी oily skin थी but actually अब वो I was confused कि combination है कि oily है, but then I came to know कि मेरी combination skin है. तो ये oil clear है और ये वाला केसर है. So this केसर face pack sells for 70 rupees. मैं इन दोनों का आपको साथ में review दे देती हूँ, मुझे कोई difference नहीं नजर आया. ये oil clear के लिए है, ये fairness के लिए है. This is a mud face pack and this is a केसर face pack. Guys, मुझे इससे कोई भी असर नहीं दिखा. अगर मैं रॉ मुल्तानी मिट्टी अगर यूज करूंगी ना तो मुझे उससे ज्यादा फर्क नजर आता है रादर देन यूजिंग दिस प्रोडक्ट विच यू गेट फॉर 70 रुपीज. तो ये मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था. ये यूज करने के बाद आई गॉट पिम्पल्स, आई गॉट एक्नेस, आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. सो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी. हिमालय के साथ मेरा एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है. मैंने एक और चीज खरीदी थी हिमालय की, That was a hair mask. Wait, I'll tell you. So मेरा ये था protein hair cream with extra nourishment. It keeps the hair healthy. ये actually एक type mask है hair के लिए, protein mask है. इसकी fragrance बहुत ही strong है लेकिन अच्छी है. I really like its fragrance. But बहुत ज्यादा effective नहीं लगा. तो मेरा हिमालय products के साथ actually I don't like. मुझे suit नहीं होते हैं या फिर मुझे बहुत ज्यादा effective नहीं लगते हैं. वैसे भी बहुत ज्यादा कम, लाइक ये वाला तो वी गेट 100 ml फॉर 80 रुपीज और ऊपर से डिस्काउंट भी नायका में मिल गया था मुझे. तो आप DIY पैक्स लगाइए, फेस पैक लगाइए, बट प्लीज डोंट गो फॉर सच केमिकल्स. ये ज्यादा आपके बालों को और ज्यादा एक्चुअली हेयर फॉल दे देगा या फिर और ज्यादा ये आपको फेस को डैमेज कर देगा. एंड प्लीज बिलीव मी, डोंट ट्राई सच प्रोडक्ट्स. सो गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. These are the products that I regret buying. हमेशा जब भी आप लें please go through the videos. उसके बाद ही आप नए products try करें. Do not go unnecessarily कि आपको नया try करना है तो आप जा रहे हैं. It was a mistake for my side. That was all for today's video. अगर आपको ये video अच्छा लगा हो, it was beneficial for you, it was useful for you, so please like and comment down and also subscribe to my channel. Love you.